Om Namah Siddhebhya. Om Namah Siddhebhya. Om Namah Siddhebhya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sovasavunam. Siddhe Jininda Chande Ayariyau Vachaya Sahugane Vandiya Sammadansana चरितलद्धिं परुवेमो. आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से हम यहाँ पांच लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं. और उसको जानने के पहले जो कर्मों की विशिष्ट अवस्थाएं होती है उसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं. बहुत सारे प्रश्न आए हैं. लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं ना. एक प्रश्न है, संश्लेष संबंध और संश्लेष परिणाम में क्या अंतर होता है? ये भी निकालना है क्या? देखो, संश्लेष संबंध कहा और संश्लेष परिणाम नहीं कहा था, संक्लेश कहा था. निकालो, आपके पास पुस्तक है ना, पेज नंबर 23 निकालो, लास्ट नीचे के दो लाइन यहाँ जो ना, उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध, यानी कर्म का और आत्मा का जो है वो संश्लेष संबंध हुआ. और पेज नंबर 36 निकालना, 36 में क्या लिखा है सेकंड लाइन में, संक्लेश परिणाम, पाप परिणाम, तीव्र कषाय, इसको क्या कहेंगे? संक्लेश. संक्लेश अलग बात है, संश्लेष अलग बात है. निगोद का जीव पर्याप्त भी होते हैं क्या? निगोद में भी पर्याप्त अपर्याप्त बादर और सूक्ष्म ऐसे भेद होते हैं. हर निगोद या श्वास के 18वें भाग में मर जाता है? नहीं, सभी लब्धिय पर्याप्त एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, उनके इतनी छोटी आयु हो सकती है, परंतु निगोद की मिनिमम जो इतनी हो सकती है अपर्याप्तों की, उन पर्याप्त निगोद अंतर्मूर्त तक रहते हैं, उससे ज़्यादा उनकी आयु नहीं होती. क्रोध कषायाचा उदय असताना बाकी मान माया लोभ याचाही बंद होतो का? कसा? हिंदी में पूछना अच्छा है कि कषाय क्रोध का उदय चल रहा है और मान माया लोभ और क्रोध सभी बंद रहे हैं, क्यों बंद रहे? ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि जीव के परिणाम के कारण अनंतानुबंधी रूप उसका क्रोध भले हो परंतु बनते तो सभी है. टीवी पर शो देखा कि एक लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर भी कोई भी किताब के किसी भी पन्ने पर कोई भी लाइन पढ़ सकती है, यह ज्ञान का कौन सा प्रकार है? को अवधि ज्ञान होगा. नाम कर्म में स्थावर अशुभ और बादर प्रत्येक शुभ एक साथ बंद कैसे होगा? एक साथ बनते नहीं है. नाम कर्म जो बनते हैं उसके पैकेज होते हैं, नहीं समझे? जो बादर बांधता है वो उसी समय सूक्ष्म नहीं बांधता है, जिस समय वो पर्याप्त का बंद कर रहा है उसी समय अपर्याप्त का नहीं होगा. जो त्रस नाम कर्म बांध रहा है वो उसी समय स्थावर नहीं बांध रहा है, पर मान लेते त्रस का नाम कर्म का बंध कर रहा है, त्रस नाम कर्म का, तो विहाय गति बंधेगी, पर एकेंद्रिय के साथ विहाय गति नहीं बंधेगी, एकेंद्रिय के साथ सहनन नाम कर्म नहीं बंधेगा. इस तरह से यथा योग्य उन जो ग्रुप ऑफ प्रकृतियाँ एक साथ बनती है उनका ही बंध संभव है नाम कर्म में. हाँ, ज्ञानावरण के पांचों हर समय बनती है, जब मिथ्या दृष्टि को दर्शनावरण के नौ हर समय बन रही है. इस तरह से कौन सी बनती है, कितनी बनती है, उसके सारे नियम है. देवगति संबंधी बंध हो रहा है तो कितनी बंधेगी, नरक गति के साथ कितनी बंधेगी, मनुष्य गति बांध रहा है तो कौन सी बंधेगी, कितनी बंधेगी, और उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, ये सारे वो कर्मकांड का विषय है.
कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि कैसे छोड़े, मिथ्या तो छूट है, सम्यक तो प्राप्त करते ही सब छूट जाता है, और उसके लिए तत्व निर्णय आवश्यक बात है, जो हम हर एक गुरुदेव के प्रवचन में वही बात सुनते आए हैं, वही करना है। अकेले कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, शरीर में या रागादि में जो अहम बुद्धि है, जिसको हम कहेंगे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो सब कुछ छूट जाता है। सम्यक्त्व के लिए, क्योंकि प्रवचन पूजा करते करते भी कर्तृत्व बुद्धि अलग अलग विकल्प आते रहते हैं, विकल्प आना कोई दोष नहीं है, विकल्पों के साथ ज्ञान की जो एकमेकता भाषित होती है वही दोष है, और वो रागादि से जो भेद विज्ञान करना है वही महत्व है। अभी उसके लिए सारी जो सात तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, परिणमन व्यवस्था क्या है, निमित्त उपादान क्या होते हैं, क्या निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, पांच समवाय क्या है, षटकारक क्या है, वस्तु स्वरूप संबंधी ये सारे ही सिद्धांत है, उसका परीक्षा से निर्णय होना आवश्यक है। परीक्षा क्यों का, हमने वो परिभाषा याद कर ली, रट ली, उससे काम नहीं होगा। वो हमें ऐसे ही है ऐसे भाषित होता है क्या, और वो अपने बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय हमने किया है कि नहीं किया, ये महत्व की बात है। ये सारे जो द्रव्यान योग के सिद्धांत हम सीखते हैं उसको हम परीक्षा द्वारा निर्णय करना है, और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस यथायोग्य आ जाएगा पूरा सारा। स्थिति के निषेक में और अनुभाग के स्पर्धक एक नियम के अंतर्गत बनते हैं, नहीं बनते ऐसा कुछ नहीं, उसका भी हमने विषय नहीं उठाया, अनुभाग की बात आएगी तब उसको प्रश्न को पूछेंगे। फिर उंडक संस्थान अनेक क्या, क्या क्या प्रश्न मुझे समझ, अनेक अनेक अव्यक्त आकार से ना, अनेक अव्यक्त आकार, यानी उसका आकार हम गोल त्रिकोणी चौकोनी ऐसा नहीं कह सकते, अलग अलग उसके आकार होते हैं, उंडक संस्थान है। जैसे एक इंद्रियों के अलग अलग आकार है, एक वनस्पति पूरा एक जीव नहीं है, तो हम कहेंगे वो वनस्पति का आकार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनेक शरीर जुड़कर वो एक पूरा स्कंद एक वनस्पति दिखती है, एक पूरा झाड़ है उसमें असंख्यात जीव है, ख्याल में, तो उनका ऐसा खास आकार हम नहीं कह सकते, एक एक जो शरीर जुदा जुदा है उसका आकार जुदा जुदा है। संस्थान छ है, हाँ, तो किसी जीव को एक समय में उसी भाव में एक ही संस्थान का उदय है, उसके आकार ऐसे कुछ बदलेंगे नहीं है, ख्याल में आती है ना बात। जो सहनन हो या संस्थान हो, जिस भाव में जो संस्थान या सहनन के साथ जन्म हुआ है उस पूरे भाव में वही रहेगा, वो कुछ बदलेगा नहीं बाद में। क्या जीव को भाव योग हर समय चलता है, अनादि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक चलेगा। कर्म का जितना अनुभाग उदय में आता है जीव के परिणाम उसी हिसाब से विशुद्ध होते हैं, नहीं, जीव ऐसा पराधीन नहीं है कि कर्म, परंतु उसका उदय या तभी कहलाएगा जब जीव ने वैसे परिणाम किए, क्योंकि अभी हमने अनुभाग की रचना नहीं देखी है, मंद से तीव्र तक सभी अनुभाग वहाँ पड़ा है उदय रूप में भी, परंतु जीव जिस मात्रा में वहाँ परिणाम करता है उस मात्रा में वहाँ कर्मों का उदय कहने में आएगा, अभी हमारी उसकी चर्चा चलेगी। तो कर्म का प्रतिपक्षी कौन से गुण हैं, नो कर्म का कोई प्रतिपक्षी नहीं होते, नो कर्म तो शरीर वन माणी को कहते हैं। साता वेदनी असाता का मिनिमम स्थितिबंध कितना है, बोलो अश्विन भाई, हैं असाता वेदनी कहाँ तक बनती है, अंतकोड़ा कोड़ी तो संगी पंचेंद्रिय को होगा, एक इंद्रिय जीव को एक सागर के तीन सप्तमांश में पल्य का असंख्यात्व भाग कम, एक इंद्रियों की मिनिमम स्थिति, परंतु वेदनीय की मिनिमम स्थिति पूछेंगे तो वेदनीय कर्म कहाँ तक बन रहा है, तेरहवें को भी बन रहे पर स्थिति नहीं बन रही है, तो दसवें तक स्थिति बनती है, तो वेदनी की स्थिति कितनी बनती है, बारह मुहूर्त बनती है ना, वो उसकी मिनिमम स्थिति होगी। अभी ये यहाँ का विषय नहीं है,
निदतित निकाचित कर्म परमाणु सभी कर्मों में होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम। अभी हमको जो कर्म बनता है, तो कर्म बनता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें स्थिति और अनुभाग पढ़ते हमने देखा था। तो स्थिति कर्मों की होती है तो इन्हें क्या होता है उसकी बात हम यहाँ बोर्ड पर भी देखेंगे और मुख से भी बोल के आपको बताएंगे। देखो पेज नंबर है 44। वो पंचलब्धि पुस्तक है ना। इसी की आवाज़ थी। देखो ये नया पैराग्राफ जो है उसके ऊपर का भी देखते हैं। देखो एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते, मिला ना? बंद होते समय यह निश्चित होता है वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। कौन सा? उस पर्टिकुलर समय में बंधे हुए की बात है। नहीं तो अनादि से बंध भी चल रहा है और कर्म तो हमेशा ही जीव के साथ है। यहाँ किसी पर्टिकुलर समय में, किसी विशिष्ट समय में बंधा हुआ कर्म कितने काल तक जीव के साथ रहेगा उसको कहेंगे उसके सितना स्थिति का बंध हुआ, उसको स्थिति बंध कहेंगे। बंधा हुआ रहेगा और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा? उसकी स्थिति पूरी होती है तो क्या होता है? जो कारमाण वर्गना से कर्म रूप हुआ है अभी कर्म से अकर्म रूप होता है। अकर्म रूप होगा तो कारमाण वर्गना भी होगी, अन्य भी कुछ उसके स्कंद अन्य भी वर्गनाएं होगी, सिंगल परमाणु भी हो सकते हैं। उसका क्या होता है वो हमारा अभी विषय नहीं, वो अकर्म रूप हो गया बस इतना ही हम कहेंगे। इस कालावधि को स्थितिबंध कहते हैं और अनुभाग बंध की बात हम बाद में करेंगे। देखो नीचे का पैराग्राफ। बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती। अभी उदीर्णा की बात छोड़ो, वो जो निषेक रचना होते हैं कब होते हैं? तो कर्म जब बनता है तो उसमें जो अनंत कर्म परमाणु वहाँ कर्मरूप हुए हैं तो उनमें विशिष्ट स्थिति पड़ती है। वो स्थिति को बताने के लिए ग्राफ अभी हम यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। इसको कहते हैं कर्मों की निषेक रचना। निषेक का अर्थ क्या होता है? जिन जिन परमाणुओं में समान स्थिति है, दूसरी भाषा में एक साथ उदय आने योग्य परमाणुओं का जो लॉट है उसको हम निषेक कहेंगे। वो एक एक समय के भेद से ऐसे निषेक सत्ता में बन जाते हैं। निषेक बन जाते हैं ना, वो कर्मों में कोई ऐसे लाइन कतार कुछ नहीं होती है। ये तो हम ग्राफ में उसको बता रहे हैं। जैसे आपके न्यूज़पेपर में आता है ना, ये रुपए के भाव नीचे आ गए ऊपर चढ़ गए, ये कोई शेयर्स के भाव ऊपर नीचे हो गए, तो क्या होता है? ऊपर नीचे होता है क्या? वो तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ही यहाँ ग्राफ में हम उसको दिखा रहे हैं। कर्म तो अनंत अनंत है और वहाँ जहाँ वहाँ पड़े हैं जिनकी जिनकी समान स्थिति है उसको हम एक लाइन में बताएंगे। तभी हम बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे का है वो वर्तमान समय है और ऊपर के है वो भविष्य काल है। तो यहाँ कर्म का बंध हुआ, यहाँ कर्म का बंध हुआ, तो अभी कर्मों में स्थिति कितनी पड़ी? तो कहते कि यहाँ से लेकर इतने काल तक इतने स्थिति में उदय आने योग्य कोई परमाणु ही नहीं थे। तो कहते ये इसको कहेंगे आबाधा काल। यहाँ कोई निषेक रचना नहीं है। निषेक रचना नहीं है कहते क्या है? इतने काल तक उदय आने योग्य यहाँ किसी कर्म में कोई स्थिति नहीं पड़ी थी। फिर उसके ऊपर जैसे मिथ्यात्व कर्म का अधिक से अधिक किसी पंचेंद्रिय जीव को बंध होगा तो कितनी स्थिति बनती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70। वो गुजराती वाला 70 नहीं, हिंदी वाला। हाँ तो कहते उसके बाद यहाँ जो पहला निषेक है इसमें भी अनंत परमाणु है, ये कब उदय में आने योग्य है? ये 7000 वर्ष और एक समय। ये दूसरा निषेक है 7000 वर्ष और दो समय, 7000 वर्ष और तीन समय, ऊपर तक चले जाओ। लास्ट में कौन सा है? वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला। वो कब उदय आने योग्य है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर काल पूर्ण होने पर उस समय वो उदय आने योग्य है। तो ये जो अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्थिति पड़ी ना अलग अलग परमाणुओं में,
परिणाम जीव ने एक ही किया है, और यहाँ इतने स्थिति के वेरिएशन कितने असंख्यात, 7000 वर्ष और एक समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रत्येक समय में एक एक निषेक पड़ा है, और एक एक निषेक में अनंत परमाणु पड़े हैं, इतना जीव एक समय में ग्रहण कर रहा है। तो इसमें इतने जो परिणाम एक होने पर भी स्थिति के इतने वेरिएशन क्यों, बोलो? क्योंकि निमित्त से कार्य नहीं होता। कर्म की अपनी योग्यता अनुसार उसमें अलग अलग स्थिति पड़ती है, ख्याल में आई बात? तो परंतु कर्म की कितनी स्थिति बंदी क्या कहेंगे हम, इतने वेरिएशन बंदे ऐसा नहीं कहेंगे। जो अंतिम निषेक की जो स्थिति है उतनी स्थिति बंदी ऐसा कहेंगे हम, पर उतनी स्थिति बंदी तो उस प्रपोर्शन में वहाँ आबाधा काल भी होगा, और उसके बाद आबाधा के काल के बाद हर समय का एक एक निषेक भी होगा। जब हम कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं बांधा, किसी वो एकेंद्रीय जीव ने एक सागर का कर्म बांधा मिथ्यात्व का, तो उसके निषेक कितने बढ़ेंगे? तो अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा चली जाएगी, और उसके बाद हर समय में एक एक निषेक पड़ा रहेगा। कितने निषेक होंगे? एक सागर वर्ष में जितने समय होते हैं कितने समय होंगे? एक सागर में तो 10 कोड़ा कोड़ी तो पल्ले होते हैं, और एक एक पल्ले के असंख्यात भाग में भी असंख्यात अबज वर्ष होते हैं। अभी एक वर्ष में कितने सेकंड हो गए और एक एक सेकंड में कितने समय हो गए, गिनो आप। तो इतने एक एक समय की एक एक निषेक रचना यहाँ होगी, तो कहते इतने सारे अलग अलग उसमें वेरिएशंस हो गए, तो इसको कहेंगे स्थिति बंद हुआ। कौन सा हुआ? जो अंतिम स्थिति जो जहाँ पड़ी है, कौन से काल में उदय आने योग्य, इतना स्थितिबंद हुआ ऐसा हम कहेंगे। जहाँ जीव के संकलेश परिणाम तीव्र कषाय होते हैं वहाँ स्थिति मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बनती, भले वो पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, ये उसका स्थिति बंध का नियम है। अब ये स्थिति बंधने के बाद ऐसे ही कायम रहिए कोई ज़रूरी नहीं, उसमें क्या क्या उलट पुलट होता है वो तो क्रम से। पहले हमने यहाँ निषेक रचना किसको कहेंगे, ये क्या क्या कहेंगे, तो उसको हमने देखा था कि ये बंध होने के समय में ही ये आबाधा काल है, उसी समय ऊपर की निषेक रचना हम दिखाएंगे। अनेकों के हमको प्रश्न भी आते हैं, विद्वानों को भी आते हैं कि आबाधा काल पूरा हुआ ना, 7000 बंध के बाद 7000 वर्ष बीत गए, बाद में वहाँ वो 7000 वर्ष के बाद निषेक रचना हुई, ऐसा नहीं है। ये निषेक रचना कब हुई? बंध के समय हुई। पर बंध के समय में कैसी निषेक रचना हुई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हुआ है, तो 7000 वर्ष जितने समय है ना उतने निषेक नहीं बने थे, उसके बाद ऊपर एक एक समय में एक एक निषेक बना है, ये उसका अर्थ होता है। और ये उदय की अपेक्षा ये उदय आने योग्य नहीं है, इसको हम यहाँ आबाधा काल कहेंगे। प्रत्येक कर्म बंधने के बाद जिसका उदय है और उस कर्म का बंध हुआ, तो एक आवली के पश्चात ये जितने यहाँ निषेक बंधे हैं ना, क्योंकि ये तो बंधने की बात है, इस समय सत्ता में भी कर्म पड़े हैं, उनका उदय भी चल रहा है, उनका उदय तो हर समय चल रहा है, तो ये बंधे हुए सभी निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु छूटकर नीचे आते हैं, और वो उदय के निषेकों के साथ आकर उनका भी उदय चालू हो जाता है, जिसको उदीर्णा कहते हैं। तो हर एक बंध में, यानी जो बंध हुए हैं, अभी मिथ्यात्व का हो, ज्ञानावरण का हो, दर्शनावरण का हो, एक आवली के बाद कुछ परमाणु उदीर्णा होकर नियम से निकलते हैं, वहाँ कोई जीव का पुरुषार्थ वगैरह कुछ नहीं काम का है, उससे उसके कारण नहीं होती उदीर्णा, एकेंद्रियों में भी हो रहा है, सभी जीवों में होता ही है नियम से। जिसका उदय है वो बंधने के बाद एक आवली के बाद उसका उदय चालू है, तो उसकी उदीर्णा भी होती है। अभी उदीर्णा के बहुत सारे नियम है, उसको हमको नहीं जाना है, उदीर्णा क्या है बस इसको समझना है। सभी निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु अपनी स्थिति घटाकर उदयावली में आ मिलते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा। अब ये तो बहुत स्थूल कथन यहाँ हो रहा है, किसको क्या कहना बस इसकी बात है। तो हमने अभी क्या देखी? निषेक रचना देखी, ये किसको बताती है? तो स्थिति को बताती है। तो उसमें क्या देखा? आबाधा काल, इसमें कोई निषेक रचना नहीं है, यानी यहाँ उदय आने योग्य कोई परमाणु नहीं है इतने काल में, उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध की बात है। उतने काल में सत्ता में पड़े हुए का उदय चल रहा है हर समय, जैसे मिथ्यात्व का किसी ने इतना उत्कृष्ट बंध किया, तो उस पर्टिकुलर समय में बंधने वाले 7000 वर्ष तक उदय में नहीं आए,
पर उन 7000 वर्षों में मिथ्यात्व का उदय चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा है। कौन सा? जो पूर्व में बांधा था, ये उसका अर्थ होता है। अब आगे बढ़े तो ये हुई निषेध की रचना, यानी वो तो देखो एक समय में बंधा हुआ है, उसका उदय काल लगातार कितने तक चलेगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 7000 वर्ष, वो अकेले का नहीं हुआ, क्योंकि हर समय कर्म बनते हैं, तो हर समय में जो जो जिसकी स्थिति पूरी होती है, जो जो उदय रूप निषेक है नीचे का, सब मिलकर एक साथ उदय में आते हैं। ये तो बंधे हुए की बात है, सत्ता में जो पड़े उसकी अलग, उसका कथन अलग होगा। यहाँ तक हम अभी, हमको अनुभाग में क्या होता है उसको देखना है। अनुभाग संबंधी भी, अनुभाग यानी क्या? फलदान शक्ति, जैसे कर्मों की स्थिति कितनी है वो हमने देखे। ये ज़रूरी नहीं कि जिसकी स्थिति ज़्यादा है उसमें अनुभाग भी ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं है। यानी स्थिति से अनुभाग का कुछ डायरेक्ट रिलेशन यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक निषेक में अनंत परमाणु है, तो प्रत्येक निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनुभाग भी है। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ जो कम मिनिमम स्थिति वाले भी परमाणु है अनंत, और मैक्सिमम स्थिति वाले भी अनंत परमाणु है। अब वहाँ हमने अनुभाग में देखना है। अनुभाग में क्या है इसका अर्थ समझाएंगे बाद में। ये मिनिमम अनुभाग वाले भी परमाणु है, मैक्सिमम अनुभाग वाले भी परमाणु है। यहाँ कहाँ पड़े हैं मिनिमम से मैक्सिमम तक? तो कहते हर निषेक में पड़े हैं, हर निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक उस समय में बांधे हुए सारे ही अनुभाग वहाँ पड़े हैं। अब उसको यहाँ हम शास्त्र की भाषा में देखेंगे। देखो इसको, यानी जो निषेक रचना है वो स्थिति को बताती है, और अनुभाग रचना किसको बताती है? ये जो उसको स्पर्धक रचना कहेंगे या वर्ग वर्गना कहेंगे, तो उसके जो पारिभाषिक शब्द क्या है उसको हम देखेंगे। देखो पेज नंबर 45 निकालना। हमने यहाँ क्या देखा था कि जो समान स्थिति वाले परमाणुओं का लॉट है, ग्रुप है, उसको हमने निषेक कहा था। वर्तमानकालीन वो पहला निषेक, फिर ऊपर भविष्यकालीन वो भविष्यकाल के निषेक, तो बाद में उदय में आने योग्य होते हैं। अब ये जहाँ फिगर है ना उसके नीचे, कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेक रचना होती है। ये समझने के लिए हमने निषेक रचना के द्वारा इसको बताया, आचार्य ने बताया। तो यहाँ तुम ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं। जो उदय रूप है पैर के तरफ आते होंगे, फिर नए नए बंधे हुए सिर के तरफ होते, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब कर्म बनता है तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, यानी सभी प्रदेशों में, वे परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं, जो जहाँ पर स्थित हो। परंतु जिनकी नहीं परमाणुओं की समान स्थिति होगी उनको हम निषेक कहेंगे। वो हमको वहाँ हम नीचे के निषेक में, दूसरे निषेक में, तीसरे निषेक में बताएंगे। हो सकता है कि उतनी स्थिति वाले कोई परमाणु यहाँ पर है, कोई यहाँ उंगली के प्रदेशों में, कोई पैर के यहाँ है, कोई पेट के वहाँ है, कहीं पर भी हो, जिनकी जिनकी समान स्थिति है उनको हम एक लाइन में बताएंगे, और उनको हम कहेंगे ये एक निषेक है। ख्याल में आई बात यहाँ तक? निषेक किसको कहना, बस इतनी बात यहाँ, इतनी हमकी हमें इससे मतलब है। अब आगे देखते हैं, अभी अनुभाग को क्या क्या बताना चाहते, क्योंकि कर्म परमाणु अनंतों में बने। अभी एक कर्म परमाणु को एक वर्ग कहेंगे, क्योंकि हरेक में कोई ना कोई फलदान शक्ति है। जैसे हम पानी का टेम्परेचर नापते, कैसे डिग्री में नापेंगे ना, यानी उसका वो यूनिट है। हमको लेंथ गिननी है तो मिलीमीटर हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बनाया, मान लेते उसको, तो उसका वो यूनिट है, नापने का यूनिट हो गया। अगर हमको कोई अन्य चीज़ें नापनी है, वजन नापना है, तो मिनिमम मिलीग्राम कहेंगे उसको। तो हर एक चीज़ नापने का जो कोई यूनिट होता है, ऐसे ही कर्म की शक्ति नापने का जो यूनिट है उसको क्या कहेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति के स्मॉलेस्ट अंश कहेंगे उसका, कि जिसका दूसरा विभाग नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट वो शक्ति का अंश है उसको हम कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। इसमें हम कर्मों की शक्ति नापेंगे। जैसे ज्ञान की शक्ति भी, ज्ञान की पर्याय की शक्ति ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, और कर्म की आवरण करने वाली हो, विघ्न करने वाली हो, विपरीतता लाने वाली हो, जो अपनी अपनी जो शक्ति है उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं।
तो उसका नाम क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद। तो प्रत्येक परमाणु में विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद है। अब जिनमें जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद समान है उन परमाणुओं को हम एक लाइन में लिखेंगे और उसको हम कहेंगे वर्गणा। वर्ग किसको कहा? एक एक परमाणु को। कौन से परमाणु? कर्म परमाणु। एक एक कर्म परमाणु को हमने वर्ग कहा। जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ऐसे वर्गों के समूह को, यानी परमाणु के समूह को हमने एक वर्गणा कहा। एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में क्या होता है? एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा है। मिनिमम भी कितने हैं? तो अनंत है। वो अनंतों में एक बढ़ा दो तो वो एक अधिक वाले जितने कर्म परमाणु उसको हम क्या कहेंगे? दूसरी वर्गणा। और एक अधिक है तीसरी वर्गणा, और एक अधिक है चौथी वर्गणा। ऐसे अनंत वर्गणाओं तक एक एक से बढ़ते हुए हैं। तो जहाँ तक एक एक से बढ़ते हुए हैं उसको कहेंगे एक स्पर्धक। एक स्पर्धक के बाद क्या होता है? एकदम जंप करके और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। मान लेते हैं मिनिमम अनंत के बदले हम 100 मानते हैं, यानी 100, 101, 102, 103, 104, फिर जंप करके एकदम 200 हो जाएगा। तो 200 से कैसे? 200, 201, 202, 203, 204, फिर जंप करके एकदम 300 हो जाएगा। ये जैसे मैंने दृष्टांत दिया वैसे जहाँ तक एक एक से बढ़ते हैं वहाँ की वर्गणाओं के समूह को कहेंगे स्पर्धक। जहाँ दुगुना होकर वहाँ शुरुआत होती है वहाँ कहेंगे दूसरा स्पर्धक। तीन गुना होकर तीसरा स्पर्धक, चार गुना होता है चौथा स्पर्धक। ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। एक एक वर्गणा में भी परमाणु अनंत, ऐसे एक स्पर्धक में वर्गणा अनंत और ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। और प्रत्येक निषेक में इतने अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं। यानी एक समय में बंधे हुए कर्म परमाणु का आप इमेजिन कर सकते कितने हो गए अनंत अनंत। और ये प्रत्येक निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी स्पर्धक पड़े हैं। अब हम जरा पुस्तक के आधार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पेज नंबर 45 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है, उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। हमने देखा ना कर्म परमाणु को वर्ग कहेंगे। और जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। ये थोड़ा विषय थोड़ा अभी क्लिष्ट लगेगा, कठिन लगेगा, परंतु हमारा पंचलब्धि का विषय तो सरल है। परंतु इन शब्दों से हम परिचित हो जाएं तो आगे क्या क्या होने वाली है, यानी कौन से लब्धि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कर्मों में, वो जानने के लिए हमें आसान हो जाएगा। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गणा को जघन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। जैसे हमने आपको अभी 100 का 100 डिग्री बताया, 100 डिग्री वाला है, 101 वाला है, 102 वाला है, तो वो नीचे की वर्गणा यानी जघन्य, द्वितीय वगैरह उसको ऊपर कहेंगे। अब 46 पेज निकालना। अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वो कैसे हैं? एक एक से बढ़ते हुए हमने देखे थे। वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगुने होते हैं, जैसे हमने देखा 100 से बढ़ते एक एक से बढ़ते हैं 101, 2, 3, 4, फिर एकदम दुगुने हो गए 104 के बाद एकदम 200 हो गए, तो वहाँ से क्या कहेंगे? दूसरा स्पर्धक। 201, 202, 203, 204 एकदम 300 हो गए, वो कहेंगे तीसरा स्पर्धक। ये उसका अर्थ होता है जब तीन गुना होते तीसरा स्पर्धक। किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। अब जिनके पास नई एडिशन है वहाँ सुधारा हुआ है। आपके पास नई पुस्तक है? आपके पास नहीं है, उसमें वो काटा हुआ है ना, काट के रखा है। काट के इसलिए रखा है, हम तो नया भी उसको डिलीट ही कर सकते थे, पर
इसमें नहीं कटे, अनुभाग सबसे ही होता है। अभी जो कुछ है मैं बताती हूँ, वो यहाँ करेक्शन करना है। फिर से पढ़ती हूँ, सेकंड लाइन। उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु ऊपर लिखा है ना, परंतु अनुभाग सबसे हीन होता है। तो अनुभाग सबसे हीन होता है ये निकाल दो। जब हमने पढ़ा था तब हमको ऐसा पढ़ाया गया था, इसलिए वैसा ही लिखा है, परंतु जब अपना स्वयं का अध्ययन हुआ ग्रंथों का, आगम का, तब ये बात ख्याल में आई कि जो हमने पढ़ा था वो गलत है, इसलिए उसको सुधार कर बाद में नए एडिशंस में सुधारा भी है, और सुधारा हुआ काट लगा के वैसे रखा है। अब कहीं पुस्तकों में नहीं हुआ होगा तो वो कर लेना। क्या कहा? अनुभाग सबसे हीन होता है, इतना निकाल लो। आपके उसमें निकाला हुआ है? निकाला हुआ है, हाँ। अब मैं सही पढ़ती हूँ। प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु ऊपर ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते, ये बराबर है। परंतु उसके आगे और लिखा है ना, और अनुभाग बढ़ता जाता है, वो फिर निकाल दो। यानी निषेक रचना जुदी बात है और अनुभाग रचना जुदी बात है। ऐसा नहीं कि नीचे के निषेकों में अनुभाग कम है और ऊपर में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए लब्धिसार में भी मैं अनेक जगह उसका प्रूफ कर सकती हूँ कि यहाँ सब जहाँ स्पर्धक वगैरह आगे श्रेणी की बात बताई है वहाँ पर भी ये बात क्लियरली लिखी है। इसलिए आगम के अनुसार मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। अभी यहाँ हमको ये जो अनुभाग है, भले अनंत स्पर्धक होते हैं परंतु आचार्यों ने हमारे पर करुणा करके ये अनंतों को चार नामों में विभाजित कर दिया। यानी हमें समझ में आवे ये कितना बहुत कम अनुभाग है इसमें, कि थोड़ा ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा है, तो चार चार नाम हम ले लेते हैं तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि उसमें अनुभाग कितना है। और हर एक को हम जीरो से काउंट करें ना, 1 2 3 4, इसलिए उसको चार भागों में, जैसे हमने देखे घाती कर्म के भी चार नाम बताएंगे, भले वो ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो या मौनी हो, उसके नाम समान हैं परंतु सबके अपने अपने जुदे जुदे हैं। हर एक की निषेक रचना जुदी है, हर एक का अपना अपना अनुभाग जुदा है, अपना अपना फल जुदा है, ज्ञानावरण का कार्य जुदा है, दर्शनावरण का कार्य जुदा है, परंतु सबके नाम सेम है। कौन से नाम है वो अभी हम देखेंगे। ये हम हीन अनुभाग से अधिक अनुभाग तक हम बढ़ेंगे तो उसके नाम यहाँ क्या लिखे है? देखो पेज नंबर 46, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंतानंत वर्गणा और स्पर्धक होते हैं, वहाँ मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम यानी मैक्सिमम तक अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर इन्हें नाम देकर समझाया जाता है। अब घाती कर्मों के नाम अलग है, अघाती के अलग है, अघाती में पुण्य के नाम अलग है और पाप के नाम अलग है, तो हमको तीन जुदे जुदे नाम याद रखना पड़ेगा। तो घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के चार प्रकार इस तरह है, मैं एक एक नाम लूंगी, आपको रिपीट करना है। लता भाग, दारू भाग, अस्थि भाग और शैल भाग। सामान्य से हम उसको लथा, दारू, अस्थि और शैल कह सकते हैं। दारू कहने से वो रू ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, एक बात। और दारू यानी काष्ठ, सूखी लकड़ी को यहाँ दारू कहते हैं। और यहाँ उपमा दी है, उपमा क्या है, वो कितना नरम है, कठिन है, उसकी अपेक्षा से उसको बताया है। जैसे लता एकदम नरम होती है, उससे सूखी लकड़ी वो कठिन है, उससे भी अस्थि यानी हड्डी उससे कठिन है, और जो शैल यानी पत्थर जो है उससे भी एकदम कठिन है। तो इस तरह से यहाँ मंद अनुभाग वाले जो कौन से घाती कर्म है उसको हम लता भाग वाले कहेंगे, फिर दारू भाग वाले, फिर अस्थि भाग वाले, और सबसे तीव्र अनुभाग वाले उसको हम शैल अनुभाग वाले कहेंगे। ये चार नाम हमको समझना है यहाँ पर। यानी इसी को जो अगर हम शैल वाले हैं तो शैल वाले हैं तो हम 1 2 3 से अगर गिनेंगे तो उसको हम चतुस्थानगत कहेंगे, उसमें चारों आ गए ना उसके अंदर। अब या कहीं कहीं कहेंगे त्रिस्थान, कहीं कहेंगे द्विस्थान, यानी जब त्रिस्थान कहेंगे तो ऊपर शैल वाले नहीं है ऐसा उसका अर्थ होता है।
शास्त्र में ऐसे शब्द आते हैं तो उसका अर्थ क्या है, बस इतना देखना है हमको। देखो यहाँ पढ़ते 47 पेज पर, इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय व अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा। अभी तीव्रता से मंद की ओर कहेंगे तो शैल, अस्थि, दारू और लता, ऐसे अनुभाग के चार स्थान पाए जाते, इसको स्थान कहते हैं। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है, अभी बंधने की बात करें, कितना बंद हुआ तो उसको कहेंगे चतुस्थान गंध, चतुस्थान गत बंद हुआ। किसका? घाती का। यानी क्या है, कैसे परिणाम हो गए उसके, मंद हो गए कि अति तीव्र हो गए? अति तीव्र हो गए ना, क्योंकि चारों स्थानों का बंद, शैल टाइप के भी बांधे उसने, इसका अर्थ होता है तीव्र संक्लेश परिणाम हुए उसके, तीव्र कषाय हुए। जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, विशुद्ध यानी मंद कषाय को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ वितरागता से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये संक्लेश और विशुद्ध ऐसे दो नाम आते हैं। जहाँ तीव्र कषाय उसको संक्लेश कहेंगे, कषायों की मंदता होती है उसको विशुद्ध कहेंगे। ये संक्लेश और विशुद्ध अल्टरनेटली हर जीव को चलता रहता है, एक इंद्रियों में भी चलता रहता है। क्योंकि जीवों का ऐसा प्रश्न होता है, जीव पाप करके तो निगोद में गया, अब कोई निगोद से मरकर मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है। तो मोक्ष जाएगा तो मनुष्य आयु, मनुष्य गति, वज्रषभ, नारा सहन, सब पुण्य प्रकृति बांध कर आने पड़ेगा, आना पड़ेगा ना उसको। तो उसने कौन सा पुण्य किया होगा वहाँ, शिखर जी के वो वृक्ष पर जन्मा होगा, क्या होगा के मंदिर में वो गंड बजती उसके ऊपर बैठा होगा, क्या लगता है हमको? किसी क्रिया में हमने जो परिणाम, ये तो जीव के सहज रूप से संकलेश और विशुद्धि होती रहती है, मंद और तीव्र कषाय सहज रूप से होते रहते हैं। समय दृष्टि को भी उसके योग्य हो गए कि नहीं हो गए? अब मुनि को भी हो गए कि नहीं हो गए? छठे गुणस्थान वाला विशुद्ध होता जाता है तो सातवें में पहुंचता है, और सातवें वाला कालांतर से वो तो विशुद्धि कम होती है, संकलेश की ओर बढ़ता है, तो उसको भी संकलेश कहेंगे क्योंकि अभी छठे के सन्मुख है। कहाँ किस अपेक्षा से बात है उसकी बात करना है। मिथ्या दृष्टि के संकलेश और ऊपर के गुणस्थानों में संकलेश इक्वल नहीं कहेंगे, ख्याल में है ना? श्रेणी चढ़ते समय कहेंगे उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो विशुद्धि बढ़ रही है, उत्तर महीने में क्या होगा संकलेश कहेंगे, उसकी अपेक्षा संकलेश कहेंगे, नीचे के गुणस्थानों की अपेक्षा उसको हम विशुद्धि में गिनेंगे, ख्याल में आई बात? देखो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, अभी तो अनंतानुबंधी केवल गया है, बाकी तो तीन कषाय चौकड़ी बाकी है, उसमें भी मंदता तीव्रता चलेगी। चौथे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण, संज्वलन, तीन कषाय चौकड़ी का उदय है तो उसमें मंदता तीव्रता होगी कि नहीं होगी? क्या समय दर्शन होगा तो ऐसे मुंह लटका कर बस ऐसा बैठ जाएगा? आगे देखते हैं, जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, विशुद्ध ने मंद कषाय, जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बनती है, यानी वो शैल वाली नहीं बंधेगी, थोड़े मंद कषाय है, तो क्या हो गया? त्रिस्थानगत, यानी कौन से बंधेगे भी? अस्थि, दारू और लता भाग वाले स्पर्धक बनते हैं। स्पर्धक कहा उसका, ये स्पर्धकों के नाम है, चार चार नाम बताए, अनंत स्पर्धक, एक एक नाम बताए ना उसमें अनंत अनंत होते हैं, फिर भी चार नामों में उसको समझाया जाता है। शैल भाग वाले नहीं बनते, और जब द्विस्थानगत बंद होता है तब दारू और लता भाग रूप बंद होता है, शैल अस्थि भाग वाला बंद नहीं होता, ये उसका अर्थ होता है। जैसे हमने घाती कर्म में चार भाग देखे, वैसे अघाती में भी चार होते हैं, तो अघाती में चार देखना है हमको, चार है क्या उसका? एक मिनट, नहीं उसका चार्ट नहीं होगा, नाम वाला हमने पुस्तक में ही है, पुस्तक में देखना, देखो पुस्तक में भी पढ़ते हैं, फिर उसका चार्ट पुस्तक में ही बताएंगे आपको। हाँ 47 पेज पर पहले देखेंगे, अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में, अघाती के दो भेद कौन से देखे थे? प्रशस्त और अप्रशस्त। अभी प्रशस्तों के नाम जुदे हो गए और अप्रशस्तों के नाम जुदे हो गए। प्रशस्तों में मिठास बढ़ती हुई कहेंगे नीचे से ऊपर, और अप्रशस्त में कड़वाहट बढ़ती हुई हम बताएंगे नीचे से ऊपर तक, नीचे नहीं मंद से तीव्र तक। अब उसके नाम देखेंगे,
अप्रशस्त प्रकृतियों में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के चार स्थान इस प्रकार है। अघाती के अप्रशस्त देख रहे हैं, घाती तो सारे अप्रशस्त थे, उसके नाम कौन से देखे थे? लता, दारू, अस्थि और शय। अब अघाती के अप्रशस्त, यानी अघाती में पाप प्रकृतियाँ, मंद अनुभाग वाली, उसका नाम क्या है? नींब। नींब कहो या नीम कहो, एक ही बात है, दोनों ही नाम आते हैं। कांजीर, विष और हलाहल, कड़वाहट की अपेक्षा अधिक अधिक कड़वाहट है, उसकी अपेक्षा ये नाम दिए हैं। ये पदार्थ अधिकाधिक कटु है, कड़वे है, उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ते, विशुद्धि बढ़ना इन्हें कषायों में मंदता आती है, तब अघातिया की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुस्थानगत बंद नहीं होता। देखो, जीवों के परिणामों के निमित्त से तत्वज्ञान का अभ्यास हो रहा है, या जो ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ता है, या अंतरंग में स्थिरता बढ़ती है, तो क्या होता है, सत्ता में पड़े हुए अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी घटता चला जाता है, और नया जो बंद होता है ना अप्रशस्त का, उसका अनुभाग भी अत्यंत मंद होता है। सहज रूप से ये प्रक्रिया होती है, जीव को इसमें कुछ करना नहीं, वो कर ही नहीं सकता कर्मों में कुछ। जीव सोच समझ कर कर्मों में कुछ नहीं कर सकता है। जीव तो अपना आत्मा का अनुभव करना है, अपना स्वरूप पहचानना है, अपने में लीन होना है, यही उसके हाथ की बात है, और कर्मों में ये अवस्थाएं सहज रूप से होती हैं। ये हमें यही, इसी का भरोसा नहीं ना, कर्मों में ये अवस्थाएं सहज रूप से होती हैं। जितना भरोसा है कि सिर दर्द हो रहा है, बुखार आया है, आप कहेंगे क्रोसिन की गोली ले लो, आप कौन सी खाते हो? क्रोसिन खाते हैं, हाँ, आप सेरेडॉन खाती होगी, हाँ, अरे 15 मिनट आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा, तो ऐसा भरोसा है? तत्व ज्ञान का विचार करेंगे और अंतर्मूर्त के अंदर संयुक्त हो जाएगा। हमने तो उसको इतना डिफिकल्ट और कठिन मान के रखा है ना, ये तो सरल बात है, वो कैसा सरल है उसको हम देखने जा रहे हैं। देखो ये क्या कहते हैं, इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुणाहीन हो जाता है। क्या कहा? अनंत गुणाहीन होने ने अनंत में भाग प्रमाण रह जाना। पहले तो बांधा था, क्योंकि पहले हमने न जाने कैसे कैसे परिणाम करके वो सारे तीव्र अनुभाग वाले कर्म बांध के सत्ता में पड़े हैं सारे। यहाँ तत्व ज्ञान का विचार करते हैं, उसमें अपना मन लगता है, तो उनका अनुभाग भी घट जाता है, अपने आप घट जाता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी। यथास्थान कब? वो जब अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, तीन करण परिणामों की बात करेंगे, तो ये नाम सब आने वाले हैं, वो चतुस्थानगत, द्विस्थानगत, ये नाम वहाँ आने वाले हैं, इसलिए उसकी थोड़ी यहाँ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको अब चार्ट द्वारा समझेंगे। देखो नेक्स्ट पेज 48। देखो सबके नाम एक साथ यहाँ लिख दिए हैं, तो हमें ये आसान हो जावे। तो घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा चार चार स्थान, हमें नीचे से ऊपर पढ़ेंगे उसको। घाती कर्मों में क्या लिखा है पहले में? पहले अप्रशस्त ही है, इसमें कोई पुण्य प्रकृति नहीं है, ये नक्की करना है पहले में पहले, और हर समय बंद रहेंगे। जब तक मिथ्यात्व कायम है तो मिथ्यात्व से ये सब बंद ही रहे हैं। तो नीचे से ऊपर पढ़ते मैं एक एक नाम लूंगी, आपको रिपीट करना है। लता, दारू, अस्थि और शैल, किसके हुए सब? घाती कर्म। अभी अघाती कर्मों में दो भेद किए, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त को हम पुण्य प्रकृति कहते हैं और अप्रशस्त को पाप प्रकृति कहते हैं। तो प्रशस्त के नाम नीचे से ऊपर, फिर रिपीट करना, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। शर्करा समझते? वो मिश्री डल्ली आती ना वो, हाँ, मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं, हिंदी वाले कहते वो साकर कहाँ खड़ी है। अब अघाती के अप्रशस्त की बात है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल। अभी यहाँ तक तो हमने ये चार चार नाम देखे, याद नहीं होगी तो पुस्तक में जरा देख लेना। हमने प्रशस्त यानी घाती कर्मों के चार नाम देखे, कौन से? लता, दारू, अस्थि और शैल। अघाती में पुण्य प्रकृति कौन से? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत।
अघाती के पांच प्रकृतियां, नीम कांजीर विष हलाल। यहाँ तो बात समझ में, वो कांजीर ने कड़वा कराया था, क्या होता है करिया, तो करिया था क्या करिया, तो कारी जीव जो कुछ है वो चिरायता भी कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं, चिरायता कहते क्या कहते, ये गुजराती नाम अलग मराठी नाम अलग मराठी में काड़े जिरायत कहते हैं समझना कड़वा कोई पदार्थ, वो इसके ऐसे काड़ी काड़ी जैसे आती है, ऐसे कड़वी होती है, उसका काढ़ा पिलाते हैं ना कड़वा। आगे बढ़े थोड़ा, देखो जो हमने देखा था अभी, घाती कर्मों में विशेषता है, हमने जो चार नाम देखे हैं कौन से देखे, लता दारू अस्य और शैल। अब घाती में दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, ये थोड़ा अभी शाम को तो और हम इस पर गौर करेंगे ही करेंगे, अभी थोड़ा सुनना बराबर। घाती कर्म में दो टाइप हो गए स्पर्धकों के, हम प्रकृतियों की बात यहाँ नहीं ले रहे, प्रकृतियों की बात करेंगे। एक बार कभी हम स्पर्धक कहेंगे, कभी प्रकृतियाँ कहेंगे। जब प्रकृतियाँ कहेंगे तो मति ज्ञान आवरण श्रुत ज्ञान आवरण अवधि ज्ञान आवरण, वो प्रकृतियाँ हैं। और जब स्पर्धक कहेंगे तो प्रत्येक प्रकृति में, वो भले मति ज्ञान आवरण की हो या केवल ज्ञान आवरण की हो, उसमें कौन कौन से स्पर्धक पाए जाते हैं वो अलग अलग जो होते हैं, क्योंकि प्रकृतियाँ भी सर्वघाती देशघाती होती है और स्पर्धक भी सर्वघाती देशघाती होते हैं। पहले सर्वघाती किसको कहना और देशघाती किसको कहना उसकी चर्चा करेंगे बाद में उस पर। एक शोपशम की परिभाषा है ना, बहुत महत्व की है, और ये सर्वघाती देशघाती जब तक नहीं समझते हैं वो शोपशम क्या है वो ख्याल में नहीं आता है। वैसे तो हम शब्द तो है, हमारा ज्ञान का क्षोभशम चल रहा है, हमें क्षोभशम समाप्त हुआ, ये जो बातें कहते हैं हम क्षोभशम क्षोभशम, पर उसका सही अर्थ भाषित नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे ये सर्वघाती क्या होते हैं, देशघाती क्या होते हैं। सर्वघाती ने पूरा ही घात करते हैं, किसका, जीव का, प्रतिपक्ष का, अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात होता है तब हम कहेंगे सर्वघाती स्पर्धक। देशघाती स्पर्धक किसको कहेंगे, देश है ने पार्शल, पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, उसका उदय भी होता रहे और प्रतिपक्ष गुण का कार्य भी होता रहे, उसको क्या कहेंगे, देशघाती स्पर्धक। यहाँ तक समझ में, सर्वघाती का अर्थ क्या है, पूरा ही घात, और देशघाती का अर्थ क्या होता है, पार्शल घात। अब कहते हैं कि ये सर्वघाती स्पर्धक किस में होते हैं और देशघाती स्पर्धक किस में, कौन से प्रकृति में होते हैं। अब हम बाकी चर्चा नहीं करते हुए ज्ञानावरण की बात करेंगे, बाद में सभी टोटल प्रकृतियों को देखेंगे। ज्ञानावरण ये घाती कर्म है क्या अघाती कर्म है, पहले नक्की करो, घाती कर्म है। अब वो उसके पांच टाइप है ना, उसमें हम केवल ज्ञानावरण की बात करते हैं। केवल ज्ञानावरण का उदय कहाँ से कहाँ तक है गुणस्थानों में, पहले गुणस्थान से 12वें तक है। तो क्या है, केवल ज्ञान किसी को प्रकट नहीं है, केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्ष में क्या कार्य हो रहा है, पूरा घात हो रहा है। पूरा घात है ना, केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, थोड़ा सा प्रकट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसी प्रकृति है, प्रकृति सर्वघाती है, और उसमें स्पर्धक कौन कौन से हो गए, लता दारू अस्थि वगैरह हो गए कि नहीं हो गए, तो कहते नहीं हो गए, क्योंकि लता और दारू का अनंत भाव ये देशघाती स्पर्धक होते हैं, और दारू के ऊपर के अनंत स्पर्धक अस्थि वाले और शैल वाले ये स्पर्धक कैसे है, सर्वघाती। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां है ये कौन सी है हम देखेंगे। केवल एक प्रकृति लेकर हम उसको बताते हैं, पहले केवल ज्ञानावरण ये कैसी प्रकृति है, तो कहते सर्वघाती प्रकृति है। परंतु हमने तो घाती कर्मों के नाम देखे थे, लता दारू शैल, नहीं नहीं, परंतु सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। क्या कहा, सर्वघाती प्रकृतियां जो जो कोई है वो कौन सी हम देखेंगे बाद में, इसमें पुस्तक में बताएंगे आपको, उसके सभी स्पर्धक कैसे होते हैं, सर्वघाती भी, वो कितना भी मंद क्यों ना हो। केवल ज्ञानावरण उसमें कौन कौन से होते हैं, तो कहते कि लता वाले तो है ही नहीं उसमें, दारू वाला अनंतवा भाग जो देशघाती वो भी उसमें नहीं है,
तो केवल ज्ञानावरण के स्पर्धक की स्टार्टिंग कहाँ से है? ऊपर जो सर्वघाती है, बहुभाग जो है दारू का, वहाँ से लेकर उसमें अस्थि टाइप के भी है और शैल टाइप के भी है। यानी वो कितने भी विशुद्धि बढ़ जाए और शैल टाइप के नहीं भी रहे, अस्थि वाले हो जाए, दारू वाले, वो कैसे रहेंगे? हमेशा सर्वघाती ही रहेंगे। यानी केवल ज्ञानावरण प्रकृति कभी भी देशघाती स्पर्धक होकर उदय में आवे ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जब तक उसका पूर्ण नाश नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान जीव को प्रकट नहीं है, ये उसका अर्थ है। फिर से देखते हैं, प्रकृतियों में हम दो भेद करेंगे। ज्ञानावरण प्रकृतियाँ चार प्रकार की है, नहीं पांच प्रकार की है। उसमें एक केवल ज्ञानावरण है, वो सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, ये कैसी प्रकृतियाँ हैं? देशघाती प्रकृतियाँ हैं। तो सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, ही लगाएं। तो केवल ज्ञानावरण में क्या क्या है? तो शैल भी है, अस्थि भी है और दारू का बहुभाग है, वो सर्वघाती होते हैं। मति ज्ञानावरण में भी बाकी छोड़ दो, मति ज्ञानावरण में क्या पोजीशन होगी? तो मति ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है। तो ये देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन से हो गए, ये प्रश्न। तो कहते उसमें सर्वघाती भी हो गए और देशघाती भी हो गए। फिर से सुनना, मति ज्ञानावरण का बंद हुआ है तो उसमें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। यानी कौन कौन से? शैल वाले भी है, अस्थि वाले भी है, दारू का बहुभाग वाले, ये तो सारे सर्वघाती है ही है। दारू का एक भाग वाला जो अनंतवा भाग है, जो देशघाती, वो भी उसमें है और लत्ता वाले भी है। तो मेरा प्रश्न है, मति ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय हो जावे तो क्या होगा? मति ज्ञान का अंश भी नहीं रहेगा, टोटल मति ज्ञान हाँ मिट जाएगा, तो जीव जड़ हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा? कभी नहीं होगा। यानी मति ज्ञानावरण प्रकृति ऐसी है कि उसका देशघाती वाला बंद तो है, देशघाती सत्ता में तो है, जब उदय में आएगा तो देशघाती का कभी भी उदय नहीं होगा। सर्वघाती तो बंद है, सर्वघाती सत्ता में भी है, परंतु सर्वघाती का कभी भी अपने रूप से उदय नहीं होगा। पर जो परमाणु बंद है उसका उदय तो आने से रहा, तो उदय में आते आते एक समय में वो देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आते हैं। क्या कहा? सर्वघाती रूप से पड़े हैं हर निषेक में। हमने जो इतनी निषेक रचना देखी है तो सभी निषेकों में ऊपर तक पड़े हैं। वर्तमान का एक निषेक जो उदय रूप है, वो उदय रूप निषेक में क्या हो जाते हैं पोजिशन? वो सारे जो शैल अस्थि वगैरह ऊपर के जो थे वो लता दारू रूप होकर उदय में आ रहे हैं। हाँ, उसमें वेरिएशन होगा। मति ज्ञान में हम देखते हैं ना कि एक इंद्रियों का भी मति ज्ञान है, हमारा आपका भी मति ज्ञान है, उनको ज़्यादा आवरण है, वो देशघातीपना में भी हीना दिखता होगी। उसकी बात अभी यहाँ नहीं करनी। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि मति ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय कभी नहीं होगा। बंद हुआ था, सत्ता में पड़े है, दूसरे निषेक से लेकर ऊपर सर्वत्र पड़े है। वर्तमान जो उदय रूप निषेक है उसका उदय होते होते वो देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आते हैं। अभी इसी को वो क्षोभशम के रूप के परिभाषा में हम समझेंगे। उसके पहले वो देशघाती सर्वघाती का थोड़ा ये पुस्तक के आधार से देखते, देखो यहाँ पेज नंबर 48 यहाँ लिखा है ना, ऊपर नीचे से एक दो तीसरा पैराग्राफ चौथा देखो। देखो इन प्रकृति के जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। मिला? देखो उसके ऊपर का एक पैराग्राफ देखो जो चार्ट का नीचे का है। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, ये प्रकृतियों की बात है। घाती कर्म कौन कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय, अंतराय। तो इनमें दो प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती है, कौन कौन सी? सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। अब ज्ञानावरण जो एक मूल प्रकृति है उसके भेद कितने? पांच है, उसमें बता रहे पहले में। पहले जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति। ये प्रकृतियों के भेद देखे। अब जरा प्रकृतियों के जरा नाम देखते हैं हम, सर्वघाती कौन से, देशघाती कौन से हैं।
पेज नंबर निकालना 54 फॉर 54 देखो ये थोड़ी बात है सर्वघाती देशघाती की आपको लगेगी कठिन, एक बार ये समझ लो तो जीवों के जो पांच भाव होते हैं ना, उपशम उपशम भाव क्या होते हैं, क्षायिक भाव क्या होते हैं, उपशम भाव क्या, ये समझना इतना सरल हो जाएगा और विषय भी स्पष्ट हो जाएगा। हम शाम को फिर दोबारा इसको लेने वाले हैं, अभी तो प्रकृतियाँ कौन सी देशघाती है, प्रकृतियाँ कौन सी सर्वघाती है उसको देख लेते हैं। देखो पेज 54 है, मूल प्रकृतियों के नाम दिखे हैं और उस ये कौन से नाम है, घाती कर्मों के हैं, उसमें सर्वघाती प्रकृतियाँ अलग बताइए और देशघाती। अब हम एक एक मूल प्रकृति देखकर उसमें से देखेंगे। देखो ज्ञानावरण मूल प्रकृति है, उसमें से सर्वघाती प्रकृति कौन सी है, तो केवल ज्ञानावरण, और देशघाती प्रकृति कौन सी है, तो बाकी चार कौन सी, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञान। ये बात समझ में। अब दर्शनावरण पर घटित करते हैं। दर्शनावरण ये मूल प्रकृति है, उसमें सर्वघाती कौन कौन सी है, तो केवल दर्शनावरण तो है ही है, और पांच जो निद्रा है कौन सी, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, किसका नाश कर रही है, जागृत अवस्था का नाश कर रही है। तो कहते हैं कि ये सब कैसी है, पूरा घात करती है, निद्रा का उदय है तो जागृत अवस्था का पूरा नाश है वहाँ पर, ये सर्वघाती प्रकृति। और देशघाती कौन सी है उसमें, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। यहाँ तो समझ में आएगा, इसको कुछ याद रखने की कोशिश नहीं, केवल समझने की बात है। अब मोहिनी की बात देखते हैं। मोहिनी में तो बंधने वाली तो एक मिथ्यात्व कर्म ही है, और वो कैसी है, तो सर्वघाती है। पर जब सम्यक दर्शन हुआ था तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व तो तैयार हुआ, वो सम्यक मिथ्यात्व तो भी कैसा है, सर्वघाती है। क्यों, वो सम्यक तो का पूरा घात करता है, परंतु जो सम्यक प्रकृति तैयार हुई वो कैसी प्रकृति तैयार हुई, देशघाती, यानी उसका उदय भी चलता रहे और सम्यक तो भी बना रहे, ये बात हो सकती है। फिर चारित्र मोहिनी में देखते हैं, अनंतानुबंधी चारों ही सर्वघाती है, सम्यक तो नहीं होने देते। अप्रत्याख्यानावरण चारों ही सर्वघाती है, थोड़ा भी त्याग नहीं होने देते। प्रत्याख्यानावरण चारों ही सर्वघाती है, सकल संयम थोड़ा भी नहीं होने देते, ये सर्वघाती है। और देशघाती में कौन है, संज्वलन है वो देशघाती है, और नौ कषाय जो नौ है वो भी देशघाती है। अंतराय में क्या लिखा है, सर्वघाती है, नहीं सारे ही देशघाती है। यहाँ तक समझ में, ये हमने प्रकृतियों की लिस्ट देखी, ये हमको कैसा नक्की होगा कि सर्वघाती क्या देवघाती, ये तो भगवान ने जो जाना है जो बताया है, तो इस पर हमें अभी स्पर्धकों को देखना है। अभी एक रूल हमने देखा है पेज नंबर 49 पर, देखो अभी सुनते समय थोड़ा आपको कठिन लगेगा, क्योंकि कभी हम प्रकृति कह रहे हैं, कभी हम स्पर्धक कह रहे हैं। अभी जो हमने टेबल देखा था वो प्रकृतियों का देखा था, प्रकृति घाती कर्मों के प्रकृतियों का भेद देखा था, उसमें कौन से दो भेद देखे, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। अब इसमें समझ लो, ये चार्ट में जो चार्ट है ना, एक बाजू लिखा है सर्वघाती प्रकृति और दूसरी बाजू लिखा है देशघाती प्रकृति, तो सर्वघाती प्रकृति के नीचे क्या लिखा है, सर्वघाती स्पर्धक, यानी सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, कौन से, शैलस्य और दारू का बहुभाग। अब प्रकृति तो देशघाती है, उसमें स्पर्धक दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, कौन से, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। सर्वघाती में शैलस्य और दारू का बहुभाग लेना, और देशघाती में दारू का जो एक भाग है और लता वाला भाग लेना। तो अभी तक हमने प्रकृतियाँ देखी सर्वघाती और देशघाती, किसके भेद है वो, घाती कर्मों के। फिर वो प्रकृतियों में जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, और प्रकृति देशघाती होने पर भी स्पर्धक कैसे कैसे होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। ये तो अभी हमने सुना, थोड़ा इसको पचाओ भोजन के साथ, फिर शाम को हम उसके क्षोभम कैसे घटित करना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको और दोबारा देखेंगे, इस बात को भी रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया तो प्रश्न भी पूछना लिखित रूप से, जाते आते नहीं पूछना। हाँ।
अभी यहीं रुकते हैं हम. बोलो 2400 भगवान की जय.